बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जिशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने दो सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं, एक एनसेस ट्यूटोरियल के बारे से और एक यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के बारे से। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से जो है वो आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो यंग हमारी यूथ है जो कि एफएससी करके आती है, तो उनको ये बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक तो प्रॉपर गाइडेंस हो कि कौन कौन सी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं और उनमें किस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं और उनकी रैंकिंग क्या है और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है और उसमें वो अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर नॉलेज जो है वो हर बच्चे को होनी चाहिए। इस परस्पेक्टिव से ही, इस नीयत के साथ ही बेसिकली हमने ये शुरू की है, तो ताकि जो है वो बच्चों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो हमारे पास जो एक यूनिवर्सिटी सामने आई हुई है वो है IIUI, जिसको स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसको अरबिक में भी वो पढ़ते हैं अल जामियतुल अल इस्लामिया अल आलमिया, ठीक है। तो इसके फॉल 2024 के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें उन्होंने डेडलाइन मेंशन नहीं की, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जून का पूरा महीना आपके पास होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये कि आप कोशिश कीजिए, अगर आपने एडमिशन इसमें लेना है तो आप अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो आज से ही इसमें देश को देखना शुरू कर दें। और इसमें अगर आपने एडमिशन लेना है, अगर आप किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसके यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप तो फिर आप लाजमी जो है वो आज इसके प्रोग्राम्स देखें और जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता चाहूँ। एक तो ये कि आपके पास प्रोग्राम्स ऑफर्ड का ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप प्रोग्राम्स ऑफर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और एडमिशन क्यूरीज पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका कंसर्निंग है और ये चीज़ें नीचे, ये बेसिकली एडमिशन के हवाले से, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये अलग से डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज का एक है, वो उसके अलग से एडमिशन है। लेकिन मेन जो कंसर्न होगा वो आपका ये है, ठीक है, जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम्स ऑफर पे जाएंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा जो कि PDF होगा और वो ओपन होगा इस तरह का कुछ, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। इसमें लेफ्ट पे एकेडमिक प्रोग्राम होंगे और ऑफर्ड फॉर, मतलब मेल फीमेल ये भी होगा, क्योंकि कुछ प्रोग्राम ऐसे जो दोनों के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसमें वो मैं आपने देख लेना। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इस तरह देखें फैकल्टी ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। इस तरह मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। एक वीडियो में दिखाने लूँगा तो कुछ लोगों का कंसर्निंग, कुछ पोर्शन होगा कुछ पोर्शन नहीं होगा, तो वो ऐसे बोर होते रहेंगे। तो मैंने आपको बस बता दिया कि ये एडमिशन इसके ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में देख लेना है। इसमें PhD प्रोग्राम्स भी हैं, MS भी हैं और BS प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है। तो आपने अपने, क्योंकि BS प्रोग्राम जो है वो आफ्टर FSC आप कर सकते हैं और MS जो है वो आफ्टर BS होता है और PhD आफ्टर MS होता है, ठीक है। तो आपने डिटेल देख लेनी है, हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देख लेनी है, क्योंकि मार्क्स की एलिजिबिलिटी हर प्रोग्राम के सामने शो हो रही है, ठीक है, और GPA की रिक्वायरमेंट हर प्रोग्राम के सामने शो हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास आप कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो आपने डिटेल में जो है वो स्क्रॉल डाउन करके डिटेल में देख लेना है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। अब चलते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई नाउ, सॉरी, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपने अपनी ईमेल डालनी है, अपना नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है और साइन अप एज। आप साइन अप कैसे कर देते हैं? एज एडमिशन एप्लीकेंट अप्लाई फॉर जॉब या वेंडर बेसिक ग्रुप। बेसिकली आप अभी जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने एडमिशन एप्लीकेंट के तौर पर आपने साइन अप करना है। तो आप साइन अप कर लेंगे तो फिर इन्हीं क्रेडेंशियल्स के साथ, जो कि पासवर्ड आपका जो होगा, जो आपने सोच समझ के यहाँ पासवर्ड देना है, उसके साथ और आई थिंक सो विद नेम के साथ ना आप वो कर सकेंगे, या विद नेम या विद ईमेल के साथ आप तो उसमें साइन इन कर सकेंगे। अगर फिर भी किसी को इशू होता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ मुझे, मेरे साथ वो करें, कमेंट में बातचीत करें, तो इंशाल्लाह हम इसको आपके लिए जो है वो अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, और आपको तरीका भी समझाएंगे, बल्कि आपके लिए कर देंगे अप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जो ऑप्शन है एडमिशन क्यूरीज़ का, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है एडमिशन क्यूरीज़ में? बेसिकली वो ये कहता है कि आपके कोई सवाल जवाब, आप कोई सवाल हैं आपके जहन में जिनके आप जवाब चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप कमेंट हमें करें, हम आपको डायरेक्ट जवाब कहीं से आपको ढूंढ के ला देंगे, ठीक है, या हमें पता होगा, या हम कहीं से पूछ कर आपको बता देंगे। नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या करते हैं, आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, मतलब एडमिशन फॉर मेल या एडमिशन फॉर फीमेल। अपना ई मेल आई डी डालनी है। क्यों ई मेल आई डी डालनी? क्योंकि उस ई मेल आई डी के तहत जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेगी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया। और CNIC डालना है, फुल नेम अपना डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और मैसेज लिखना है। तो आपको जब सेंड मैसेज कर देंगे तो आपको विद इन 1-2 डेज वर्किंग डेज में आपको बाय ईमेल और या बाय फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा जवाब कि आपकी जो क्यूरी है वो रिजॉल्व हो गई है। दूसरी बात ये कि आपके पास एक FAQs होते हैं। FAQs से मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस
एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो लोग पहले से बहुत पूछ चुके हैं, तो उन्होंने ना ऑलरेडी उनके जो है वो जवाब जो है वो इधर दे दिए हैं, ठीक है। तो आपने इधर भी जाके वो क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपके सामने शो हो रहे होंगे जनरल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, फैसिलिटीज़, तो आपने देखें हर एक पे लिंक है वो, ठीक है। आपने कोई भी चाहते हैं ना, आपने वो ओपन करके ना वो आपने खोल के देख लेना है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल मैंने वीडियो बनाई है ना इसके एडमिशन के हवाले से बताने के लिए कि एडमिशन ओपन हो गए, तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आगे चल के ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ी डिटेल वीडियोज़ भी मल्टीपल चीज़ों पर, मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप्स पे, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है, तो मैं वो भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।